दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा हड्डियों में तकलीफ होती है, खड़े रहते नहीं बनता है, या फिर आपके पैरों के नीचे नसों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है जिसे हम बोलते हैं वेरिकोज वैन, या फिर नसों में कहीं कमज़ोरी आ गई है, आप इस तेल से यदि मालिश करेंगे ना दोस्तों, तो जो आपकी दबी हुई नस है, जो कमज़ोर नस है, वो भी रिपेयर हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा वेरिकोज वैन में जब हमारे पैरों में, हमारी पिंडलियों में नीली, बैंगनी और हरे रंग की नसों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हमें दर्द रहता है दोस्तों, उससे भी आपको राहत मिलेगी इस तेल को लगाने से। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों धतूरे का। धतूरे के बारे में आप सबको पता है, जितना ज़्यादा ये विषैला होता है ना, उतना ही ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। बस इसका प्रयोग आप लोग सावधानी पूर्वक करें, और साथ ही साथ दोस्तों ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसके जो फल होते हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इस पौधे की जो जड़ होती हैं और फूल होते हैं, सारी चीज़ें औषधि गुणों से भरपूर है, इसीलिए तो आयुर्वेद में धतूरे का इतना ज़्यादा महत्व है। इसे शिव प्रिय भी कहते हैं, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है धतूरा, और इसका धार्मिक महत्व, औषधि महत्व दोनों ही हैं। यहाँ पर मैंने दो धतूरे के फल लिए हैं और उसे एक कटोरी तेल में डालकर रख दिया। रात भर इस तेल में ऐसे ही पड़े रहने दें। आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच मैंने मेथी भी इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इस तेल को धूप में पकने दें, 4-5 दिन धूप में पड़े रहने दें इस तेल को, बहुत ही पावरफुल ऑयल बनेगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, डायरेक्ट ही इसे किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह से पका लें। कम से कम 5-7 मिनट तक इस तेल को अच्छे से आपको पकाना है। तो अभी तो मैंने ऐसा बर्तन लिया है जिसका इस्तेमाल मैं खाने में, कुकिंग में बहुत कम करती हूँ, या नहीं ही करती हूँ इस बर्तन का इस्तेमाल, वैसा ही बर्तन ले, क्योंकि ये काफ़ी विषैला होता है। बहुत बच्चों की पहुँच से बिल्कुल ही दूर रखें और केयरफुल इस्तेमाल करना है आपको। गैस चालू कर दिया है, गैस की फ्लेम को स्लो कर दी है, ये देखें, और बढ़िया अच्छा इसे स्लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में धतूरे का रंग ब्राउन सा हो जाएगा। दोनों तरफ से पलट पलट कर आपको इसे अच्छे से सेकना है ताकि मेथी, कलौंजी, धतूरे के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे जो पोषक तत्व हैं इस तेल में आ जाएं। इस तेल में मैंने एक लहसुन की कली भी डाल दी है। लहसुन भी बहुत अच्छा दर्द निवारक होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, हमारे मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न होती है उससे राहत दिलाता है, साथ ही साथ हमारे जोड़ों में, घुटने में जो दर्द होता है ना, कमर में दर्द है, चाहे पैरों की पिंडलियों में, एड़ी में दर्द है, वहां पर आप धतूरे के तेल से मालिश करेंगे ना, तो आपका पुराना से पुराना हड्डियों के दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आपके पास यदि इसकी पत्तियां हैं तो आप यहाँ पर इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन, कलौंजी, मेथी, धतूरे के दो फल हैं दोस्तों। वैसे धतूरे की 3 प्रजातियां होती है, काला धतूरा आता, काले फूल वाला आता है, पीले फूल वाला आता, सफेद फूल। हमारे आसपास सफेद और पीले फूल वाला आसानी से मिल जाता है, काले फूल वाला धतूरा बहुत ही कम दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उतना ही ज़्यादा विषैला भी होता है। इसके फल एक जैसे ही होते हैं, नींबू के जैसे गोल गोल होते हैं जिसमें कांटे होते हैं। अभी हरा हरा है ये, क्योंकि कच्ची अवस्था में, जब ये सूख जाएगा ना दोस्तों तो भूरे रंग का हो जाएगा, इसके कांटे भी कड़क हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको फोड़ कर इसके बीजों को निकाल कर भी तेल में पका सकते हैं, परंतु अभी थोड़ा कच्ची अवस्था में हरा है इसलिए मैंने यहाँ पर बीजे नहीं निकाले हैं। और इसे इंग्लिश में दोस्तों थ्रोन एप्पल भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और बारिश के मौसम में जगह जगह लगा रहता है, शायद आपके घर के आसपास भी लगा होगा, सड़कों के किनारे, खुले पड़े मैदानी इलाकों में आसानी से धतूरे का फल, फूल और इसकी पत्तियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए तेल बहुत अच्छी तरह से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है मुझे इसे पकाने में। आप धतूरे को देख सकते हैं, अच्छा ब्राउन सा हो गया है और इस तेल में धतूरे की सारी प्रॉपर्टी आ गई है। एक ऐसा मैजिकल ऑयल है दोस्तों जिससे यदि आप मसाज करेंगे ना, पुराने से पुराना आपके हड्डियों का दर्द, हड्डियों की सूजन, या कहीं मोच आ गई है वहाँ पर भी लगाएं। शरीर में कहीं किसी तरह का घाव है या किसी तरह का त्वचा संबंधित रोग है या दांत खाद खुजली है वहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपका स्किन डिसीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा यदि बच्चों के सिर में बहुत ज़्यादा जू हो गई, बहुत ज़्यादा लीक हो गई है या बहुत ज़्यादा रूसी हो गई है, वहाँ पर भी आप इस ऑयल को लगा सकते हैं। हमेशा नहीं लगाना है, जब जू लीक है तभी बालों पर लगाना है आपको, और कोई नुकसान नहीं करेगा। इसमें मेथी, कलौंजी, सारी पौष्टिक चीज़ों को डाला है।
हड्डियों में जहाँ भी दर्द है, जैसे आपको मैं अपने हाथों की कलाई पर मालिश करके दिखा रही हूँ दोस्तों, ये देखिए, कभी कभी हम कोई भारी चीज़ उठाते ना, हाथ हमारा लचक सा जाता है, वहाँ पर भी मालिश करेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा। इस तेल को बनाकर स्टोर करके रखें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।